कल देर शाम जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के चार मेन ब्रिजेस जो हैं तवी के ऊपर बनाए गए, वहाँ पर धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है, और डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से यहाँ पर गैदरिंग जो है और रैलीज़ करना जो है वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, और अगले 2 महीने तक यहाँ पर किसी भी तरीके से जो ब्रिज के ऊपर रैलीज़ होती हैं, जिस तरीके से युवा राजपूत सभा जो है वो पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, और कल भी उनकी हंगर स्ट्राइक थी, और जिस तरीके से वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर बैठकर, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ पर धारा 144 लगने के बाद जो है यहाँ पर अब युवा राजपूत सभा के जो यहाँ पर लोग थे वो अब यहाँ नहीं बैठ सकेंगे, और आज सुबह से ही उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आज भारी भरकम पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें जो थी वो आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, और उन्होंने आज यहाँ पर किसी भी प्रकार से गैदरिंग होने नहीं दी है, और धारा 144 जो लागू है उसका पूरे का पूरा असर यहाँ दिखाई देगा। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इवन मीडिया को भी वहाँ पर इस समय जाने की इजाज़त नहीं है, और युवा राजपूत सभा लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर कई सालों से प्रदर्शन हो रहे हैं, कई सालों से ये डिमांड की जा रही है कि महाराजा हरि सिंह तरीके से भारत के साथ विलय हुआ है, सबसे बड़ा उनका योगदान था उसमें, उसको लेकर उनकी छुट्टी की जो मांग है वो यहाँ पर लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, मगर अभी तक किसी भी तरीके से सरकार ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिशियल्स जो थे वो युवा राजपूत सभा से संपर्क में थे, और उन्होंने मीटिंग करके उनको समझाने की कोशिश भी की कि आप अपना प्रदर्शन ख़त्म कर दें, मगर युवा राजपूत सभा जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अब आंदोलन जो है वो बढ़ेगा, और जिस तरीके से कई सालों से इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, छुट्टी घोषित नहीं की गई, उसको लेकर जो है युवा राजपूत सभा और अलग अलग संस्थाएं जो हैं इनके साथ मिलकर जो है पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही थी, मगर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल एक ऑर्डर आता है और ये चीज़ कही गई है कि जो चार ब्रिजेस हैं जम्मू तवी के वहाँ पर किसी भी तरीके से गैदरिंग करना जो है वो मना है, और अगले 2 महीने तक ये ऑर्डर जो है वो इसी तरीके से लगा रहेगा, और इसको लेकर आज जो पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और इवन यहाँ पर मीडिया जो है वो भी यहाँ पर उनको भी जाने की आज इजाज़त नहीं दी गई है। हम अपना काम कर रहे हैं, अब हमको बोलेंगे आखने जाने की डोगरी ये बड़ा बचाना है या डोगरी बचाना है, तुम अपना काम करो। अज जितने लड़ाई लड़ा दें अस लड़ा दें, किसी को पुलिस मीडिया तक इतने ध्यान दे दी है, साड़ी आवाज़ इन्नी दबाई जा रही है। कम से कम मैं सारी भला सारे जम्मू डोगरी आखो, कम से कम अपने तेने बोलो, लोगों ने नहीं बोलते अपने तेने बोलो, ये आखना चाहें कि सारी लड़ाई जारी है, अस इतने बैठे हैं 29 तरीक 5 तरीक जी कल अभी सफल बनाओ 29 तरीक जो अस इतों इतने मिल गए। जय हिंद जय। गाड़ी निकाले भाई।